बिस्लेरी को मिला नया बॉस, टाटा ग्रुप से नई हुई डील। बोतलबंद पानी सप्लाई करने वाली कंपनी की नई बॉस बिस्लेरी इंटरनेशनल चेयरमैन रमेश चौहान की बेटी जयंती चौहान होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने इसे खरीदने के लिए कदम पीछे खींच लिए हैं। इसका मतलब यह है कि बिस्लेरी और टाटा ग्रुप में डील को लेकर सहमति नहीं बन पाई। बिस्लेरी के चेयरमैन रमेश चौहान ने ईटी को बताया कि उनकी बेटी जयंती चौहान प्रोफेशनल टीम के साथ इस कंपनी का संचालन करेगी। इसी वजह से हम अपने बिजनेस को बेचना नहीं चाहते हैं। जयंती चौहान कंपनी के वाइस चेयरपर्सन हैं और उनकी उम्र 42 साल की है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जयंती चौहान प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम के साथ काम करेंगी। जल्द ही इन्हें कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी दी जाएगी। रमेश चौहान ने हाल ही में ही बिस्लेरी ब्रांड को 7000 करोड़ रुपए में टाटा ग्रुप को बेचने पर सहमति जताई थी। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि फ्यूचर में प्रमोटर्स इस डील को लेकर माइंड बदल सकते हैं। टाटा ग्रुप ने 17 मार्च को जारी अपने एक बयान में कहा कि बिस्लेरी को खरीदने के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। टाटा की कंज्यूमर गुड्स की कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी थी। कंपनी ने कहा कि बिस्लेरी के साथ बातचीत बंद हो गई है, जिस वजह से किसी एग्रीमेंट पर सहमति नहीं बन पाई। पिछले 2 सालों में टाटा ग्रुप चौहान फैमिली से इसे लेकर बात कर रहा था। हालांकि पिछले हफ्ते के दौरान बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन डील को लेकर सहमति नहीं बन पाई। अब रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रमेश चौहान अपनी कंपनी बिस्लेरी को बेचना नहीं चाहते हैं।